Hello students, today I am going to discuss with you class 3rd English chapter 5, A Tiger in the Storeroom. So let's get started. Before starting the chapter, I want to say you something that if you are new in our channel, then please subscribe now. Because in this channel, you'll get all the topics like uh, we are discussing here: English, science, SST, maths.

जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो डिश ऑफ खीर से ही स्टार्ट हो रही है एंड अ बॉय हु फेल ए स्लीप और जो लड़का है वो सो गया फेल ए स्लीप दैट मीन्स सो जाना रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ दैट लेड टू अ टाइगर इन द स्टोर रूम दैट मीन्स कि इस स्टोरी को पढ़िए और ये फाउंड फाइंड आउट कीजिए कि किस तरह से टाइगर ने स्टोर रूम की तरफ टाइगर जो था वो स्टोर रूम के अंदर था उसने लोगों का ध्यान किस तरह से अपनी ओर खींचा ठीक है तो हम ये सब स्टोरी में अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरह से टाइगर ने अपना ध्यान लोगों का अपनी तरफ खींचा यस तो इसमें करेक्टर्स कौन कौन से हैं फर्स्ट वन इज़ गर्ल है और उस गर्ल का नाम क्या है रेखा सेकेंड वन इज़ बॉय बॉय का नाम क्या है रोहित मदर अम्मा फादर फादर का नाम क्या है रमेश ग्रैंड मदर दादी ग्रैंड फादर दादा यस yes. और कौन कौन से करेक्टर्स हैं इस स्टोरी में नेबर नेबर का मतलब क्या होता है जो पड़ोसी जो हमारे नज़दीक रहते हैं हमारे घर के बिल्कुल नज़दीक रहते हैं उन्हें नेबर बोला जाता है ठीक है मैन व्यूमेन उन नेबर में ही आते हैं मैन व्यूमेन गर्ल और बॉय ठीक है चलिए हम सेक्शन वन से स्टडी करना स्टार्ट करते हैं द कर्टेन्स ओपन टू शो अ लिविंग रूम दैट मीन्स कर्टेन्स का मतलब क्या होता है पर्दे पर्दे जो है वो लिविंग रूम को दिखाने के लिए खुलते हैं ठीक है अब बॉय डैश इज़ अक्रॉस द स्टेज फ्रॉम लेफ़्ट टू द राइट एक लड़का स्टेज के ऊपर लेफ्ट टू राइट दाएं से बाएं जाता हुआ दिखता है एक लड़का दाएं से बाएं स्टेज के ऊपर जा रहा है ठीक है He does not look where he is going. वो लड़का ये नहीं देखता कि वो कहाँ पर जा रहा है and bumps into a girl coming from the right. और लड़की right side से आ रही होती है वो उससे टकरा जाता है ठीक है वो दाएं से बाएं जा रहा होता है बिना इधर उधर देखे हुए ठीक है जिस तरह से कई बार क्या होता है हम चलते तो स्ट्रेट हैं लेकिन हमारा ध्यान इधर या उधर या पीछे की तरफ होता है और आगे से अगर कोई आ जाता है तो हम उससे टकरा जाते हैं तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन थी कि ही डज नॉट लुक वेयर ही इज़ गोइंग वो लड़का देख नहीं रहा था कि वो कहाँ जा रहा था एंड बम्प्स बम्प्स का मतलब क्या होता है टकराना ठीक है बम्प्स इंटू अ गर्ल कमिंग फ्रॉम द राइट साइड राइट साइड से एक लड़की आ रही थी वो उससे टकरा जाता है और उस लड़की का नाम क्या था जिससे वो टकराया था उसका नाम था रेखा ठीक है और रेखा क्या बोलती है उफ रोहित Why don't you look where you are going? रेखा बोलती है रोहित पहले वो आवाज़ निकालती है उफ रोहित क्यों तुम देख नहीं रहे हो इधर उधर जाते टाइम है ना Why don't you look क्यों नहीं देख रहे हो where you are going कि कहाँ तुमने जाना है ये तुम क्यों नहीं देख रहे हो उसके रिप्लाई में रोहित क्या बोलता है रोहित बोलता है रेखा रेखा देअर इज़ समथिंग देयर बोलता है रेखा रेखा वहाँ पर कुछ है देयर इज़ समथिंग देयर वहाँ पर कुछ है आउटसाइड इन द स्टोर रूम स्टोर रूम के बाहर कुछ है पॉइंट्स टू द लेफ्ट लेफ्ट की तरफ इशारा करते हुए बोलता है उसके रिप्लाई में रेखा क्या बोलती है रेखा लुकिंग एफर्ट रेखा जो है वो बहुत डर जाती है वॉट इज इट और पूछती है रोहित से वाट इज इट वो क्या है इज इट अजर्ट क्या वो लीजट है लीजर्ट क्या होता है छिपकली इट अ स्नेक क्या वो स्नेक है स्नेक दैट मीन सांप है अब जो रेखा है वो रोहित से पूछती है डरती हुई कि क्या वहाँ पर लीज यानी कि छिपकली है या वहाँ पर सांप है उसके रिप्लाई में रोहित क्या बोलता है नीदर अ नॉर अ लीज ना तो स्नेक है और ना ही लीजर्ड है, स ना तो सांप है वहां पर और ना ही छिपकली है रेखा क्या बोलती है देन इस तो क्या है देन वट इज इट देन का मतलब तो तो क्या है टेल मी रोहित रोहित मुझे बताओ ठीक है रोहित क्या बोलता है आई डरा हुआ बोलता है जिस तरह हम सब डर जाते हैं तो हमारी आवाज कांपती है उसी तरह से रोहित की आवाज आवाज भी अब कांपने लगी आई आई डोंट नो वट इट इज मुझे नहीं पता कि वह क्या है बट आई फेल ए स्लीप पर मैं सो गया एंड देन आई हर्ड समथिंग जब मैं सो गया था तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी हर्ड का मतलब कुछ सुनना सुनाई देना ठीक है तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी फिर रेखा क्या बोलती है वेयर डिड यू हेयर दिस नॉइज तुमने ये आवाज़ कहाँ सुनी लुक्स टू द लेफ्ट लेफ़्ट की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुमने ये आवाज़ कहाँ सुनी और रोहित क्या बोलता है दे यानी कि फिर से वो उसकी आवाज़ वाइब्रेट कर रही है वो डर के बोल रहा है दे इन द दैट मीन्स कि वहाँ पर मैंने देखी सुनी सॉरी वहाँ पर मैंने आवाज़ सुनी रेखा क्या बोलती है रेखा बोलती है द स्टोर रूम पूछती है उससे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है दैट मीन्स कि वो पूछ रही है कि द स्टोर रूम क्या तुमने स्टोर रूम में आवाज़ सुनी अम्मा ऑलवेज कीप्स द डोर शर्ट वो क्या है? बोलती है अम्मा हमेशा स्टोर रूम का दरवाज़ा बंद करके रखती है शर्ट का मतलब बंद करना ठीक है वट वुड है वहाँ पर क्या जा सकता है ठीक इट्स साउंडेड लाइक समथिंग वो किसी चीज़ की तरह आवाज़ कर रहा है वाज मूविंग अराउंड और इधर उधर घूम रहा है रेखा पजल रेखा पजल का मतलब कन्फ्यूज़ होना रेखा जो है बहुत पजल हो जाती है अम्मा कीप्स राइस अम्मा ने वहाँ पर राइस रखे हैं एंड द दाल और दाल भी रखी है एंड द जागरी भी रखी है ठीक है एंड ओ ओह करते हुए वो बोलती है शी स्टॉप्स विथ ह हैंड ओवर ह माउथ वो रुक जाती है अपने मुंह के ऊपर जिस तरह से डर के मारे हम अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेते हैं ठीक है वो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है डर के मारे आइज भी बड़ी सी आंखें कर लेती है रोहित बोलता है वॉट क्या हुआ रोहित उसको पूछता है वॉट क्या रेखा स्लोली बहुत ही धीरे वो बोलती है अम्मा मेड सम खीर टूडे यानी कि अम्मा ने आज कुछ खीर बनाई है मूविंग टू द नेक्स्ट पेज आई सॉ हर पुट इन द स्टोर रूम दैट मीन्स कि मैंने उसे स्टोर रूम में खीर रखते हुए देखा था किसे अम्मा को कि अम्मा ने आज खीर बनाई है और रेखा ने अम्मा को स्टोर रूम में खीर रखते हुए देख लिया था उसमें रोहित क्या बोलता है इन अ स्ट्रेंज हाई वॉइस वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब कि अजीब से तरीके से बोलता है हाई वॉइस में यानी ऊंची आवाज़ में डोंट बी सिली डोंट बी सिली का मतलब पागल मत बनो वुड गेट इन टू द स्टोर रूम टू ईट सम खीर कौन जा सकता है स्टोर रूम में खीर खाने के लिए ठीक है रोहित जो है वो रेखा को इस तरह से बोलता है रेखा angrily रेखा गुस्से में बोलती है इट इज़ नॉट सिली मैं कोई मूर्खता भरी बातें नहीं कर रही लॉट्स ऑफ पीपल लाइक टू ईट खीर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खीर खाना पसंद करते हैं क्यों अ कैट वुड सर्टेनली लाइक अ बाउल फुल ऑफ खीर एक कैट भी निश्चित रूप से फुल ऑफ खीर जो कि कटोरी है खीर से भरी हुई वो खाना पसंद करेगी मदर वॉक्स इन एट दिस मोमेंट उसी मोमेंट मौ, में जिस मोमेंट में रेखा और रोहित आपस में बात कर रहे थे उस मोमेंट में उसकी मदर वहां पर आ जाती है अम्मा वट इज दैट वो क्या है अ कैट क्या वो कैट है बिल्ली है आफ्टर द खीर खीर के बाद इट मस्ट वी दैट ग्रे ट कैट टॉम कैट का मतलब क्या होता है जो मेल कैट होती है एक तो फीमेल होती है और एक मेल कैट होती है और मेल कैट को टॉम कैट बोला जाता है ठीक है तो वो आ, अम्मा बोलते हैं कि इट मस्ट बी दैट ग्रेट टॉम कैट वो ग्रे टॉम कैट ही होनी चाहिए इट इज ऑलवेज गेटिंग इन टू द हाउस टू स्टील फूड वो हमेशा घर के अंदर जाती है स्टील फूड दैट मीन्स खाने को चोरी करने के लिए वट विल आई डू इफ इट ईट्स ऑल द खीर मैं क्या करूँगी अगर वो सारी खीर खा चुकी होगी योर फादर हैज़ इन्वाइटेड हिज बॉस फॉर डिनर तुम्हारे पापा ने खाने पर अपने बॉस को बुलाया है हर हैंड्स hands, अपने हैंड्स को रिंग करते हुए जो उसकी मम्मा बोलती है एंड नाउ दिया वुड नॉट बी एनी स्वीट डिश बिकॉज द कैट है अब कोई भी स्वीट डिश नहीं है मीठे में कुछ भी खाने के लिए नहीं है क्योंकि सारी खीर कैट खा चुकी है दे ग्रैंड मदर वॉक्स इन वहाँ पर उसकी दादी आ जाते हैं शी ड्रेस्ड इन अ साड़ी उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी रेखा एक्साइटेडली दादी रेखा बड़ी ही बोलती है दादी। स्टोर रूम स्टोर रूम के अंदर एक कैट है उस पर रोहित बोलता है एंड इट इज गोइंग टू ईट अप ऑल द खीर अम्मा मेड फॉर द गेस्ट और रोहित बोलता है कि और वो सारी खीर खा चुकी है जो कि अम्मा ने मेहमानों के लिए बनाई थी दादी बोलती है अ कैट यानी कि पूछती है एक तरीके से अ कैट क्या वो बिल्ली है इन द स्टोर रूम स्टोर रूम के अंदर नॉन दादी क्या बोलती है ये बकवास है रोहित क्या बोलता है बट इट इज़ ट्रू पर ये सच है दादी यू कैन हियर इट म्या म्यूइंग लिसन आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो म्यू की जैसे कि बिल्ली कैट की साउंड क्या होती है लाइक like, वो कैसे करती है म्याऊ म्याऊ तो वही रोहित अपनी दादी को बोल रहा है यू कैन हियर इट म्यूइंग लिसन ही होल्ड्स अप अ हैंड एंड दे ऑल लीन फॉरवर्ड टू हियर द कैट ठीक है वो सब अपने हैंड्स को होल्ड करते हुए एक दूसरे का हैंड्स पकड़ते हुए आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड का मतलब बहुत ही धीरे से आगे बढ़ते हैं कैट की आवाज को सुनने के लिए मूविंग टू द नेक्स्ट पेज ये स्टोरी थोड़ी सी लंबी जरूर है लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप ध्यान से सुनिए और स्टोरी को समझिए भी तब आपको इसमें इंटरेस्ट आना शुरू होगा इसके बाद दादी दादी क्या बोलती है आई नॉट हियर अ थिंग मुझे कुछ भी नहीं सुना एंड नो नो कैट कैन गेट इन टू द स्टोर रूम कोई भी कैट स्टोर रूम के अंदर नहीं जा सकती बिकॉज द बार्ज एट द विंडोज आर सेट क्लोज टूगेदर क्योंकि जितने भी विंडोज थे या जितने भी डोर्स थे सारे ही बंद किए हुए थे योर दादा मेड श्योर ऑफ दैट आपके दादा ने ही सारे खिड़की दरवाजे बंद किए थे उस पर रेखा क्या बोलती है रेखा स्कूल्स देयर आई हर्ड अ नॉइज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कूल्स स्कील का मतलब होता है डर के मारे ऊंचे से हम जब आवाज़ करते हैं डर से उसे स्क्वील्स बोलते हैं तो वो क्या बोलती है रेखा दे आई हर्ड अ नॉइज मैंने वहाँ पर एक आवाज़ सुनी है दे लुक इन द डायरेक्शन ऑफ द स्टोर रूम वो स्टोर रूम की तरफ इशारा करते हुए बोलती है उस पर अम्मा क्या बोलते हैं इफ़ इट इज़ नॉट अ कैट वट इज़ इट अगर वो कैट नहीं है तो वो क्या है उस पर दादी बोलती है पैप्स वन ऑफ यू लेफ्ट डोर ओपन got डोर गॉट इन मतलब शायद, शायद किसी ने भी तुम में से किसी ने भी दरवाजा खोल कर रखा होगा और डॉग अंदर चला गया होगा स्टोर रूम के उस पर अम्मा क्या बोलती है क्या डॉग होगा रोहित बोलता है स्पीकिंग फास्ट एंड लाउड बहुत ही तेजी से बोलता है यस yes, हाँ आई सॉ डॉग आउटसाइड एंड मैंने एक कुत्ता बाहर देखा था एंड हाउस अ लिटिल वाइल अगो क्या पता वो कुछ देर पहले अंदर चला गया होगा दे आर ग्रैंड फादर वॉक्स इन उसी टाइम उसके दादा वहाँ पर आ जाते हैं और दादा क्या बोलते हैं यू सादा डॉग क्या तुमने डॉग देखा है इट मस्ट बी डैट मैड वन वो वही पागल होगा अम्मा अब मैड डॉग एक पागल कुत्ता दादी बोलती है इन आवर हाउस हमारे घर में अ नेब वॉक्स इन क्वाइटली वहाँ पर उनके पड़ोसी बड़े ही शांति से आते हैं शी ओवर हीयर्स दादा वर्ड्स एंड स्टेप्स उन्होंने शी ओवर ही दादा वर्ड्स एंड स्टॉप्स उन्होंने दादा के जो भी वो बोल रहे थे दादा वर्ड्स उनने सुन लिए थे और वहीं पर वो रुक गए नेबर इज़ द ट्र्यू क्या ये सच है टर्न्स टू अम्मा और उसके बाद अम्मा के पास चले जाते हैं बोल कर अम्मा क्या बोलती है येस yes. हाँ द चिल्ड्रन हर्ड अ नॉइस बच्चों ने आवाज़ सुनी है एंड उस पर रोहित बोलता है यू कैन ऑल हीयर इट इफ़ यू आर क्वाइट फॉर अ मिनट आप सब ये आवाज़ सुन सकते हैं अगर आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए चुप हो जाए साइलेंस एज एवरी वन ट्राइज टू हियर द डॉग ठीक है सारे के सारे चुप हो जाते हैं डॉग की आवाज़ को सुनने के लिए रोहित क्या बोलता है सॉर्ट ऑफ ग्रोली एंड हैप्पी रोहित जो है वो बहुत ज़्यादा खुश होना शुरू हो जाता है नेबर आई वो बोलता है ये बहुत ज़्यादा वांडर होगा अगर अम्मा वॉट अम्मा बोलती क्या दे ऑल स्टेयर एट हर सारे के सारे उसकी तरफ देखने लग जाते हैं स्टी स्टेयर्स बैक एंड लुक्स अराउंड एट द सर्कल ऑफ़ द फेसिस वो थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ पीछे की तरफ जैसे जाते हैं ना हम आगे के जा आगे को जाकर पीछे को जाते हैं अब वो पीछे की तरफ गया और उसके बाद उसने सबके फेसिस की तरफ देखना शुरू कर दिया नेबर इनर रश नेबर जो है वो बहुत ही जल्दी में बोलता है आई केम टू टेल यू मैं आपको ये बोलने आया था देट अ टाइगर हैज़ एस्केप फ्रॉम अ सर्कस बोलने आया था कि सर्कस में से टाइगर जो है वो गायब हो चुका है उसका पलायन हो चुका है ठीक है उसके कहने का मतलब क्या था कि क्या आपके स्टोर रूम के अंदर कहीं टाइगर तो नहीं घुस गया है ठीक है अब देखिए उस पर रोहित क्या बोलता है रोहित अ टाइगर क्या वो टाइगर होगा रेखा क्या बोलती है इन अवर हाउस हमारे घर में दादी अलॉन्ट दादी तेज से बोलती है अ टाइगर क्या चीता होगा अम्मा मोन्स अम्मा विलाप करते हुए यानी थोड़ा सा दुख जताते हुए जब हम बोलते हैं तो तब वो बोली ईटिंग माई लवली खीर यानी कि मेरी लवली खीर जो है वो क्या टाइगर ने खाई होगी रेखा वी विल बी इन द पेपर्स वो क्या वी विल बी इन द पेपर्स का मतलब क्या होता है कि ये सब हमने न्यूज पेपर में पढ़ा था तो रेखा क्या बोलती है ये मैंने न्यूज पेपर में पढ़ा था मूविंग टू द नेक्स्ट पेज एंड नाउ इज सेक्शन टू the neighbor slips away, the family does not see her go. जो नेबर है स्लिप्स अवे स्लिप्स अवे का मतलब क्या होता है यानी कि वो बहुत ही मतलब डर गया था इसीलिए वो बहुत ही तेजी से फिसल गया द फैमिली डज नॉट सी गो तो फैमिली ने नहीं देखा कि वो कहाँ चला गया ठीक है अब दादी दादी स्टर्नली who द डोर ओपन फॉर द टाइगर टू वॉक इन टू द स्टोर रूम किसने दरवाज़ा खोला था जो टाइगर जो है वो स्टोर रूम के अंदर चला गया उस पर रेखा क्या बोलती है नॉट आई वो मैं नहीं थी आई वॉज डूइंग माई होमवर्क मैं तो अपना होमवर्क कर रही थी अ मैन सम व्यूमेन एंड सम चिल्ड्रन वॉक इन अब वहाँ पर जैसे आस पड़ोस के जो लोग होते हैं अब टाइगर जो है पता लग जाए कि हमारे घर में टाइगर है तो इधर उधर के लोग सारे इकट्ठे होने शुरू हो गए ठीक है उनमें मैन थे कुछ व्यूमन्स भी थी और कुछ चिल्ड्रन्स भी थे बच्चे भी थे वूमेन्स फेयरफुली वूमेन जो है वो बहुत डरी हुई बोलते हैं इज इट ट्री यू क्या ये सच है मैन बोलता है इज दर अ टाइगर क्या वहाँ पर चीता है टाइगर है बॉय रियली सच मच इन योर स्टोर रूम क्या आपके स्टोर रूम के अंदर पीपल विस्पर टू ईच अदर यानी कि आपस में फुसफुसाना आपस में बातें करने लग जाते हैं लुकिंग फेयरफुली अराउंड द हाउस और घर की तरफ डर मतलब जिसे डर की निगाहों से देखते हैं वैसे देखने लग जाते हैं और रेडी टू रन और भागने के लिए तैयार हो जाते हैं उसमें गर्ल टिमिडली इट डूइंग नाउ अब क्या होगा ठीक है जिस तरह से डर से हम बोलते हैं यार अब क्या होगा रोहित क्या बोलता है चुप हो जाओ, hand, और उसका हाथ पकड़ लेता है लिसन मेरी बात सुने और लीन फॉरवर्ड टू लिसन फॉरवर्ड मतलब कि धीरे से चुपके से हम आगे जाते हैं उसे सुनने के लिए गर्ल क्या बोलती है गर्ल साई आई हर्ड इट मैंने सुना है बॉय सो डिड आई क्या मैंने भी मैन क्या बोलता है अ परिंग नॉइज एक नॉइज सुनी है पर पर की जो नॉइज आती है वो मैंने सुनी है ठीक है पर पर की नॉइज मैंने सुनी है रोहित क्या बोलता है इट इज sleeping. वो सो रहा है आफ्टर ईटिंग ऑल द खीर सारी खीर खाकर वो सो रहा है दादा नाउ इज द टाइम टू कैच इट ये टाइम है उसे पकड़ने का ठीक है जब सो रहा होगा तभी उसे पकड़ सकते हैं अदरवाइज तो टाइगर के पास हम जा नहीं सकते हैं है ना रोहित यस वेन इट इज फॉस्ट स्लीप जब वो बहुत गहरी नींद में चला जाएगा अम्मा हु इज गोइंग टू कैच इट कौन जाएगा उसे पकड़ने के लिए गर्ल इज द डोर लॉकड क्या डोर बाहर से लॉक किया है बंद है कि वो बाहर आ जाएगा तो किसी के ऊपर वो हमला भी कर सकता है रोहित वट डोर कौन सा डोर गर्ल द स्टोर रूम डोर स्टोर का दरवाजा रोहित नो no. रोहित क्या बोलता है नहीं किया हुआ एवरी वन एवरी वन मूव बैक अ स्टेप सब के सब पीछे को अपना एक कदम लेते हैं दे स्टे एट द स्टोर रूम वो स्टोर रूम की तरफ सब देखने लग जाते हैं अम्मा नर्वसली डू यू मीन टू से द डोर इज ओपन क्या आपका मतलब ये है कि जो स्टोर रूम का दरवाजा है वो खुला हुआ है रोहित रेखा डोंट मूव क्या बोलती है अम्मा रोहित और रेखा हिलो मत देअर फादर कम्स इन उसी टाइम उसके पापा वहाँ पर आ जाते हैं और पापा क्या बोलते हैं वॉट इज ऑल दिस ये सब क्या है मूविंग टू द नेक्स्ट पेज उस पर रोहित क्या बोलता है पापा देर इज टाइगर इन द स्टोर रूम स्टोर रूम के अंदर टाइगर है मैन क्या बोलता है अ टाइगर क्या एक चीता व्यूमेन क्या बोलती है एस्केप फ्रॉम द सर्कस वो सर्कस से पलायन हो गया है सर्कस से वो गुम हो गया है अम्मा आई एम सो सॉरी बट देर इज नो खीर फॉर योर बॉस अम्मा क्या बोलती है वो अपने हस्बैंड से यानी कि रोहित रमेश से बोलती है आई एम सो सॉरी मुझे माफ कर दीजिए आपके बॉस के लिए अब कुछ भी खीर नहीं बची है पापा डिसबिलीविंग पापा डिसबिलीविंग का मतलब विश्वास नहीं कर रहे थे रियली सचमुच वट वट डज द टाइगर साउंड लाइक जो टाइगर है वो किस तरह से साउंड कर रहा है रोहित चुप हो जाओ नाउ लेसन आप सुनिए आप दे ऑल लीन फॉरवर्ड एंड लिसन वो थोड़ा सा आगे जाते हैं बड़े आराम से धीरे से लीन फॉरवर्ड यानी बिना आवाज़ करते हुए आगे जाते हैं लिसन और सुनते हैं आईज फिक्सड ऑन द डोर और डोर पर ही उन सब की निगाहें नज़रें होती हैं रोहित क्या बोलता है देयर डिड यू हियर दैट क्या आपने वो सब सुना पापा इट नॉट साउंड लाइक एनी टाइगर आई हर्ड मतलब मैं वो बोलता है कि मैंने तो टाइगर की आवाज़ सुनी हुई है लेकिन ये जो आवाज़ है वो ऐसी तो नहीं लग रही कि टाइगर की आवाज़ है वॉक्स टू वार्ड्स द डोर और डोर की तरफ वो चला जाता है कौन रमेश दादी दादी पीछे से आवाज लगाती है रमेश यानी कि रुक जाओ ठीक है अम्मा क्या बोलती है ओ बी एज ही डिस फ्रॉम साइट ही अपियर्स मिनट लेटर अब क्या है सारे के सारे जो हैं वो सांस रोककर अपनी देखने लग जाते हैं एज ही डिसअपियर फ्रॉम साइड जब तक कि वो साइड से डिसअपियर यानी जाता हुआ उन्हें दिखाई नहीं देता है ही अपियर अ मिनट लेटर एक मिनट बाद वो उन्हें दिखाई देता है पापा क्या बोलते हैं देर इज नथिंग देयर वहाँ पर कुछ भी नहीं है मैन बोलता है नथिंग कुछ भी नहीं व्यूमेन कांट बी व्युमेन बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता मूविंग टू द नेक्स्ट पेज वी हर्ड द नॉइस हमने आवाज सुनी है दादा एंड रोहित सॉ द डॉग और दादा बोलते हैं कि रोहित ने डॉग को देखा है अम्मा क्या बोलती हैं? एंड माई खीर अम्मा बोलती है मेरी खीर अम्मा को अपनी खीर की बहुत फिक्र पड़ी हुई है पापा देयर इज सम खीर लेफ्ट पापा बोलते हैं कि वहाँ पर कुछ खीर पड़ी है एंड देयर वॉज अ बुक देयर और वहाँ पर एक किताब भी पड़ी है मैन अ बुक एक किताब पापा लेफ्ट खीर जिसने भी वो खीर खाई है थोड़ी सी वहाँ पर छोड़ी हुई है What we heard were the pages of this book. और जो हमने आवाज सुनी वो बुक्स के पन्ने जब हम पलटते हैं तब आवाज आती है वो उसकी आवाज थी रस्लिंग इन द्रीज क्या होता है जब हम पेज पलटते हैं और जो आवाज आती है उसे रस्लिंग बोलते हैं ठीक है वाई इज द स्टोर रूम विंडो ओपन स्टोर रूम की विंडो जो स्टोर रूम का uh, खिड़की है वो खुली हुई क्यों है देअर इज साइलेंस तो सब जगह शांति हो जाती है ठीक है उस पर रेखा क्या बोलती है टर्निंग टू हार्ट ब्रदर यानी कि अपने ब्रदर के पास आती है वो और बोलती है रोहित ओ रोहित यूवर द कैट और उससे रोहित को पूछती है रोहित रोहित क्या वो कैट तुम थे दादी बोलती है दैट गॉट इन थ्रू द विंडो ओके ये रोहित ही विंडो से अंदर खिड़की से अंदर गया होगा रेखा यू वर द डॉग रेखा बोलती है तुम ही डॉग थे दादा बोलते हैं दैट वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द हाउस और जो हाउस uh, के बाहर खड़ा हुआ था रोहित क्या बोलता है एन आई वॉज द टाइगर मैं ही टाइगर था लुक्स शिपिश क्या होता है शिपिश का मतलब होता है जब हम पछता रहे होते हैं अपनी किसी गलती को करके उसे बोलते हैं शिपिश ठीक है तो अपना सर झुकाकर थोड़ा सा अशेम्ड होते हुए बोलता है एन आई वाज अ टाइगर मैं ही वो टाइगर था व्यूमेन क्या बोलती है दैट एस्केप फ्रॉम द सर्कस जो सर्कस से गुम हुआ था क्या वो वाला टाइगर अम्मा बोलती है दैट आर दैट एट माई खीर इसी ने मेरी खीर खाई है शी लुक्स एंग्री और वो थोड़े गुस्से में थी अम्मा ू शुड हैव आज मी रोहित तुमने तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था खीर खाने से पहले दादा बोलते हैं यू स्र्ड एवरी बॉडी तुमने सबको डरा दिया और पापा क्या बोलते हैं यू वुड हैव गॉट योर शेयर एनी वे आपका शेयर वैसे भी मिल जाना था दैट मीन्स कि आपको इतनी बड़ी स्टोरी की रचना करने की ज़रूरत नहीं थी तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी कि खीर खाने के लिए रोहित ने इतनी बड़ी स्टोरी को बनाया दैट मीन्स कि सबको डराया ताकि सबको लगे कि खीर उसने नहीं किसी कैट ने डॉग ने या टाइगर ने खाई है यानी कि स्टोर रूम के अंदर टाइगर ना होके वो खुद ही था ठीक है समझ में आ गया आपको तो मेरे ख्याल से आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी तो अब जो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आगे आने वाले लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे इसके बाद की वीडियो में मैं आपके साथ थिंक एंड आंसर भी डिस्कस करूँगी इसी चैप्टर के थैंक यू सो मच बाय